हमारे यहां आज जगदीश यादव सर हैं, मेरा नाम अनुज है। मेरा नाम भुवन गोयल है। मेरा नाम पार्थ प्रधान है। माय नेम इज अर्णव रस्तोगी। हेलो गाइस, मेरा नाम अर्पित है। हाय, माय नेम इज रूपा। जब मैं ये वर्कशॉप ज्वाइन की तो मैं रियलाइज की कि यहाँ पे एकमात्र मैं ही छात्रा हूँ जो एनालॉग फिल्म कैमरा से काम कर चुकी हूँ, डिजिटल में काम कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। एनालॉग फोटोग्राफी में मैंने फोटोग्राफी के पीछे की सिर्फ साइंस और फिज़िक्स को नहीं, केमिस्ट्री को भी सीखा। ये भी सीखा कि एक तस्वीर को बनाने के पीछे कितनी मेहनत और कितना डिसिप्लिन लगता है। इसमें जो मैंने बहुत ही करीब से एनालॉग फोटोग्राफी को जाना, अपने हाथों से डेवलप किया, महसूस किया, तो एक एनालॉग फोटोग्राफी को लेकर मेरा नज़रिया पूरी तरीके से चेंज हुआ। हम लोग की अभी क्लासेस जगदीश सर के साथ चल रही थी जिसमें हम लोग ने एनालॉग फोटोग्राफी के बारे में सीखा। उन्होंने बताया कि हम लोग कैसे फ़ोटोज़ को प्रोड्यूस करते हैं और ये उसके थ्रू कैसे केमिकल्स के थ्रू हम लोग फ़ोटोज़ पूरी बनाएंगे। तो उनके साथ हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते का सेशन चला था जिसमें उन लोग ने हम लोग को काफ़ी कुछ सिखाया। हमारे अंदर बहुत बड़ी बात होती है कि हम हर चीज़ को बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं और फिल्म डिजिटल कैमरे में भी हमें बस ये चाहिए कि हमें बस सीख लेना है और जल्दी से क्लिक करना है। लेकिन जगदीश सर की वर्कशॉप के बाद, फिल्म कैमरा सीखने के बाद हमारे अंदर वो स्थिरता आई, धैर्य आया कि हम फिल्म फोटोग्राफी स्लोली और क्रिएटिविटी तरीके से सीखें। आई एम अ BFA स्टूडेंट फ्रॉम IIP एंड अबाउट एनालॉग फोटोग्राफी आई थिंक इट स्पार्क्स आवर क्रिएटिविटी एंड रिमाइंड्स अस दैट गुड थिंग्स टेक टाइम। फोटोग्राफी एक आर्ट है और किसी भी आर्ट को जीना हमें उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। और थैंक्स टू जगजीत सर, हमने डार्क रूम में एक आर्ट को नहीं फील नहीं किया, हमने एक हिस्ट्री को फील किया। आज मैं डिजिटल और एनालॉग के बारे में बात करूंगा जिसमें से मुझे कुछ भी पहले पता नहीं था, पर मैं जब IIP में आया और जगदीश सर से मतलब मैं मिला तो उसके बारे में मुझे पता लगा कि एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर होता है। आजकल के ज़माने में तो डिजिटल ही कैमरा ही मोस्ट प्रॉबली यूज़ हुआ है और मैंने ये सीखा कि ना पहले के ज़माने में एनालॉग फ़ोटोग्राफी में फिल्म कैसे डेवलप होती थी, कैसे खींचती थी। एनालॉग फ़ोटोग्राफी जो है वो हमें सिखाती है कि हमें कितना डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें कितने पेशेंस के साथ काम करना चाहिए और कितनी एक्यूरेसी रखनी चाहिए, क्योंकि एनालॉग में हम उसे डिजिटली देख नहीं सकते हैं, बस हम क्लिक कर सकते हैं, तो हमें पहले ही सारी चीज़ें सेटअप करनी होती है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी टेक्स यू बैक इन टाइम एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट IIP डिड विद द फिल्म फोटोग्राफी वर्कशॉप। वी हैड वेटरन फोटोग्राफर जगदीश यादव सर विद अस हियर एट IIP टेकिंग अ I wouldn't call it just a workshop, taking us back in time with him to, it wasn't just exactly about how the technicalities of black and white works and whatnot. It was more about, we say,
with cameras, with photographs, we usually talk about what is in front of the camera, but this time it was a bit different. Man behind the machine. एक फोटो को डेवलप करते वक्त जब आप उसको छूते हैं तो वो आपको एक इमोशनल कनेक्शन देता है. और जैसे कि जगदीश सर ने बोला कि कभी भी कोई आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी को डिलीट नहीं करता, और जिस चीज़ से आप इमोशनली अटैच्ड है उसको आप वैसे भी कभी नहीं बर्बाद होने देंगे. सर के सर ने जो हमें फिल्म बनाना सिखाया, जो फील किया हमने डेवलपमेंट के थ्रू, फिल्म को डेवलप किया, अपने हाथों से फील किया, वो एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था जो आज तक मैंने पहले कभी फील नहीं किया था. हमें केमिकल का भी नॉलेज रखना होता है ताकि हम उसे डेवलप कर पाए अच्छे से. और एनालॉग फोटोग्राफी से जो है कि हम जो क्रिएट करते हैं उससे हमारा अटैचमेंट जो है कि क्रिएशन के, हमारे क्रिएशन के थ्रू बहुत अच्छी हो जाती है. यानी कि उससे हम इमोशनली जुड़ जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ सच में हमने किसी चीज़ को क्रिएट किया है. बचपन में मेरा जो पहला कैमरा था वो एनालॉग ही था, और उसमें हम लोग फिल्म बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में खूब सारी फ़ोटोज़ खींचते थे. तो अब जब ये एनालॉग फिर डिजिटल और फिर एनालॉग के बारे में जब मैंने समझा तो मुझे बहुत सारी अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ. अब डिजिटल में इतना अपना हाथ सेट कर लिया, खींचते खींचते करीब करीब मेरे पास इनबॉक्स में 10,000 फ़ोटोज़ हो चुकी हैं. तो अब शायद एनालॉग में वापस काम करूँगी या उसमें प्रैक्टिस करूँगी तो एक तो मेरा कंपोजिशन बेटर होगा, क्योंकि अब मुझे लाइट की और बाकी चीज़ों की जानकारी बेहतर मिल गई है, क्योंकि अब मुझे पता है कि सब चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी. और अब मेरे को पता है कि फ्रेम्स लिमिटेड हैं, तो मैं खुद ही सोच के कम से कम फ्रेम में अच्छी तस्वीरें खींचने की कोशिश करूँगी. इससे मेरा डिजिटल फोटोग्राफी मच मोर इम्प्रूव हो जाएगा. तो मुझे ये क्लास वर्कशॉप करके बहुत मज़ा आया. सर की जो इंटरेस्टिंग किस्से कहानियाँ थी वो भी सुन के बहुत अच्छा लगा. सो येस ऑफ कोर्स वी डिड लर्न अबाउट द ब्लैक एंड वाइट, द रील, हाउ व्हाट गोज इन टू द कैमरा, हाउ द रील कम्स आउट एंड व्हाट एंड हाउ द फोटो कम्स आउट अल्टीमेटली. सो बेसिकली यू आर मेकिंग अ फोटोग्राफ रादर दैन जस्ट क्लिकिंग. सो इट वॉजंट just learning how or what goes into the camera, what's fed into the camera, but the way it is done, say more of what comes from the heart. So the interesting part here was not just about learning about the subject but learning around the subject, something different at IIP, and I'm thankful to that. Jo hum digital mein photo ko click karke aur usme jo hame santushti nahi milti ki matlab humne kya khicha hai kya nahi, पर जब मैंने एनालॉग फोटोग्राफिंग में मैंने फ़ोटो को क्लिक किया जाके बाहर, तो जब हम डार्क रूम में गए उसका प्रोसेस हुआ, तो उसके बाद मैंने अपनी वो फ़ोटो को उठाया और मैंने चेक किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब हाँ मैंने एक फ़ोटो क्लिक की, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब संतुष्टि हुई कि हाँ मैं अब फ़ोटो मुझे इसी तरीके से खींचनी चाहिए. मैं भी डिजिटल का फोटोग्राफर हूँ, क्योंकि इसी का ज़माना है. एनालॉग से शुरू किया था तब उसका जमाना था. आज मैं एक अलग तरह की फील करता हूँ डिजिटल और एनालॉग को लेकर. डिजिटल में शूट कर रहा हूँ एनालॉग के माइंड के अनुसार, जो उससे मैंने उसे सीखा है, इसीलिए मेरे फ्रेम्स कम होते हैं. मौका मिला यंग लोगों को समझाने बताने का कि होती क्या है एनालॉग फोटोग्राफी, उनको केमिकल टच कराने का, उनको फिल्मों को छूने का और प्रिंट को हाथ में लेकर के डेवलप करते हुए अपनी इमेज को देखने का. सुखद तो सबको लगता है, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे रहे, इन्होंने इंटरेस्ट लिया. और जब बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं तो बताने समझाने वालों को भी मजा आता है. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो गुजरी हैं उनमें से कुछ सुखद अनुभवों को भी शेयर किया हमने. असाइनमेंट करते हुए एक फोटोग्राफर को क्या क्या चीज़ देखने को मिलती हैं ये अभी इन्हें पूरा नहीं पता है, जिन्हें बताने का की कोशिश की मैंने. सिचुएशन वर्स्ट हो और पिक्चर ए क्लास हो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, सिचुएशन लग्जरी हो और पिक्चर नदारत हो तो दुख देती है. इसे शेयर करके, उनके साथ साझा करके हमने बहुत आनंद का अनुभव किया. मैं सभी छात्रों के
कि जीवन सफल रहे, अच्छा काम करें, अपना नाम करें, इस कामनाओं के साथ आज ये बात समाप्त करना चाहता हूँ। इसमें रोल इस संस्थान का बहुत रहा है। IIP एकेडमी ने इसे इनिशिएट किया, जो लगातार फोटोग्राफी पढ़ाने समझाने और आज के युवाओं को बड़ा फोटोग्राफर बनाने में लगे हैं। हेलो एवरीवन, आज हमने कंक्लूड किया है एनालॉग का पहला लर्निंग प्रोग्राम जगदीश यादव सर के साथ, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे बाहर से आए स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, जो एनालॉग फोटोग्राफी को समझना चाहते थे, फिल्म कैमरा को समझना चाहते थे, वो हिस्ट्री को जानना चाहते थे, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो उसकी है उसको समझना चाहते थे। ऑसम फीडबैक है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स ने जो लर्निंग लिया है वो लाइफ टाइम हेल्प करने वाला है उनको। एनालॉग की अपनी ही अलग दुनिया है, जहाँ आर्ट जी जा सकती है। मतलब आप अगर एनालॉग को रियली अपने लाइफ में उतारें, उसका लर्निंग जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपका एक्सपोजर ट्रायंगल क्या होगा, आपकी फिल्म का, आपके फोटोग्राफ का जो फील है वो कैसा होगा, वो अमेजिंग है। जगदीश सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी स्टोरीज के साथ में, छोटे छोटे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ में स्टूडेंट्स को डार्क रूम के अंदर फिल्म प्रोसेस करना, फिर पेपर पर कैसे उतारना, टेस्ट करना कॉन्टैक्ट शीट्स के थ्रू, ये तो बताया ही, बट उसके साथ साथ SLR कैमरा के ऊपर एक्सपोजर, एक्सपोजिंग कैसे करनी है फिल्म के ऊपर, लोडिंग से लेके और फाइनल फिल्म डेवलपिंग तक, और उसके बाद पे पेपर के ऊपर। एक बड़ी खास बात यह है कि हमने उनको, अपने स्टूडेंट्स को जगदीश सर के माध्यम से ही वो हिस्टोरिकल एक स्टेप और पीछे जाके, जब हम ग्लास के ऊपर नेगेटिव बनाया करते थे और उससे कॉन्टैक्ट शीट के माध्यम से हम लोग अपनी तस्वीरों को देखा करते थे, वो प्रोसेस भी दिखाया। 8x10, 5x7 इस साइज के नेगेटिव्स भी स्टूडेंट्स को दिखाए, जो कि अमेजिंग था। इसके लिए विकी रॉय का बहुत थैंक यू कि आपने अपने अपने यू नो मटेरियल को हमको दिया जगदीश सर के माध्यम से। सो ये देखने के बाद में बहुत सारी बैकग्राउंड में जो हिस्ट्री हुई है उसके बारे में, कैमरा को लेकर के, फिल्म को लेकर के, प्रोसेसिंग को लेकर के, साइज ऑफ यू नो नेगेटिव्स और ग्लास के ऊपर कैसे इंप्रेशन लेकर के हम लोग उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, वो सब स्टूडेंट ने सीखा। सो पहले तो जगदीश सर का हमारा बहुत थैंक्स करना चाहते हैं IIP की तरफ से, फिर हमारे उन स्टूडेंट का जिन्होंने बाहर से आके पार्टिसिपेट किया और एनालॉग फोटोग्राफी को, IIP का ये ड्राइव है जिसको हेल्प किया रिवाइव करने में, ये एक रेगुलर प्रोसेस होगा। और फिर हमारे अपने स्टूडेंट्स बड़ा पैशन से उन्होंने सीखा, बहुत पैशन से समझा और अपना टेस्टिमनीज दी, फीडबैक दिया, इन राइटिंग भी दिया और थ्रू ऑडियो भी दिया, वीडियो भी दिया। सो सभी का बहुत बहुत थैंक्स है। और इसके बाद जो थैंक्स है वो IIP की मैनेजमेंट का, जो हमारी टीम है उनका, स्पेशली हमारी दोनों काउंसलिंग टीम मेंबर्स का, सीनियर काउंसल्स का, रूबी चौधरी मैडम का भी और बर्नाली काश्तकार मैम का भी। इन लोगों ने इन स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर करके यहाँ तक लाए, इस सब्जेक्ट के बारे में बताया और समझाया कि इससे आपके वैल्यू एडिशंस क्या होंगे लाइफ में। सो उनका भी बहुत बहुत थैंक्स है। आसिफ सर का और रोमियो, इनका भी कंट्रीब्यूशन अमेजिंग रहा, क्योंकि BTS करना, फिल्म करना, इस चीज़ को आगे और ऑडियंस तक पहुंचाना, आने वाले समय के हिसाब से इसका प्रोजेक्शन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो एनालॉग फोटोग्राफी को हम बहुत सीरियसली लेके चल रहे हैं, आने वाले समय में ये जो एक्टिविटीज़ है ये और बढ़ने वाली है IIP में। हम लोग को एनालॉग को लेकर के सिर्फ नोएडा दिल्ली में नहीं, हम इसमें पैन इंडिया काम करने वाले हैं और जा करके स्टूडियोज़ का इस कैमरे के फॉर्मेट को यूनिवर्सिटीज़ तक, कॉलेजेस तक, स्कूल्स तक लेके जाने वाले हैं, क्योंकि IIP के 3 स्कूल्स भी चल रहे हैं जो स्कूल्स के लिए बनाए गए हैं, क्लब्स, फोटोग्राफी क्लब्स। जेनेसिस ग्लोबल का भी थैंक्स, क्योंकि उनके यहाँ ये करिकुलम शुरू हो चुका है फोटोग्राफी लर्निंग का। स्टूडेंट्स के जो तस्वीर आ रहे हैं, जो उनका पैशन और जो उनके तस्वीर देखने को मिल रहे हैं, खासकर
सीखते हुए, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ऐसे ही दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल द्वारका के अंदर भी हमने अपना एक सेशन किया है, वर्कशॉप किया है, और वो भी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ेगा। और जो हमारा जेनेसिस है उसको आसिफ सर देख रहे हैं, और जो दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल है उसको रोमियो स्टीफन ने मेंटर किया है। उसके बाद में बहुत सारे स्कूल्स को हमने लिखा है, हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने स्कूल्स में अपने स्टूडेंट्स अपने बच्चों के स्कूल्स तक इस बात को पहुंचाएं कि फोटोग्राफी से सेंसरी स्किल्स पर कितना बड़ा फर्क पड़ता है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, बच्चों का जो कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव अप्रोच है वो डेवलप होता है। तो ये एक अमेजिंग वर्ल्ड है, फोटोग्राफी इज नॉट जस्ट टेकिंग सेल्फीज बट इट इज़ एन आर्ट जो पैरेलल लेवल पर इंजीनियर्स, चाहे तो डॉक्टर्स, चाहे तो किसी और आईटी सेक्टर हो, कोई सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, हाउसवाइफ्स हो, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन लर्न फोटोग्राफी। सो लेट अस वेलकम द टीम जिन्होंने एनालॉग फोटोग्राफी प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया और इसको सक्सेसफुल बनाने में आईपी में हमारा सबका साथ दिया। तो बर्नाडी मैम, रूबी मैम आइए, शैलेश सर, रोमियो, थैंक्स फॉर द आईएपी मैनेजमेंट हु गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। तो जगदीश सर से मिलवाने के लिए राजेश सर को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मुझे हमें फिल्म चलती फिरती फिल्म की एक हिस्ट्री से मिलवा दिया, फोटोग्राफी हिस्ट्री से मिलवाया, क्योंकि इसका सारा श्रेय राजेश सर को जाता है। थैंक यू सो मच। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू आईआईपी एंड जगदीश सर फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू अगेन टू आईआईपी एंड जगदीश सर एंड राजेश सर फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो थैंक्स टू आईआईपी एंड राजेश सर टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम अ वेटरन लाइक जगदीश। Oh, thanks to IIP and Jagdish sir for conducting this amazing historic course. और क्या बोलूँ? Thank you so much IIP providing this workshop and I really love it. So I am very grateful to IIP and Jagdish sir for conducting this workshop. Thank you so much. Grateful to IIP of course, Jagdish Yadav sir and of course Rajesh sir. Thank you. और इस पूरी एनालॉग फोटोग्राफी वर्कशॉप के दौरान ग्रुप में एक अलग ही बॉन्डिंग बिल्ड हुई थी। सो जब फाइनली हमारे सामने एक तस्वीर निकल के आई ग्रुप की, तो सभी के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला, जादू। सो थैंक्स टू आईआईपी अगेन एंड दैट्स इट। इसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरा था एनालॉग के साथ, प्रयास मैंने किया और प्रयास अच्छा रहा, सफलता मिली ये कह सकता हूँ, क्योंकि बच्चों ने खूब अच्छा फील किया, खूब सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच।